जब हम जप करते हैं तो जप के संबंध में इसको बड़ा ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। ध्यान रहे होते हैं ना, मतलब कुछ लोग बड़े तेज गति से हरि नाम करते हैं, अरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी जल्दी जप करना चाहते हैं तो ध्यान रहे यह रजोगुण की भावना से प्रेरित होता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण, ये क्या है, रजोगुण की भावना से प्रेरित, मतलब लगता है कि कोई रिकॉर्ड बनाना है टाइम है ना, तो यह रजोगुण के प्रभाव। ध्यान रहे भजन को बड़े तल्लीनता से करना चाहिए, मतलब बड़े आराम से। अब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल धीमी गति, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक एक एक, एक नॉर्मल स्पीड, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र को सुन ही नहीं सकते। ध्यान रहे जब हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रभु, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई और महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करने के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ दें, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और किसी अन्य कार्य को करने के लिए इस कार्य को हम या तो हड़बड़ में आकर गड़बड़ कर दें ये नहीं होना चाहिए, अथवा इसको छोड़ दें यह नहीं होना चाहिए। इस पर परम पूज्य गौर कृष्णदास महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि भाई अगर हम इस कार्य के लिए अन्य को छोड़ देवे, सॉरी अन्य के लिए इस कार्य को छोड़ देवे तो यह ऐसा ही होगा जैसे राजधानी ट्रेन को रोक के लोकल ट्रेन पास करावे। राजधानी ट्रेन समझ रहे हैं, राजधानी बहुत स्पीड से जा रही है, अब उसको रोक दिया गया, साइड कर दिया गया, क्यों, कोई लोकल जा रही है उसके लिए नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको पड़ेगी, राजधानी ट्रेन को पकड़ना चाहिए। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि यह कोई ऐसा भी कार्य नहीं है, है ना, कि भाई हम इसके साथ अन्य कार्य भी कर लें, ठीक है ना, किसी दूसरे या जप करना या क्या ऐसा कार्य नहीं है कि इसको हम किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा करते हुए दूसरे कार्य करना, ध्यान दें ऐसा करने से जप के साथ आप अन्य कार्य नहीं कर सकते। तो ध्यान देना होगा कि भक्ति जब भी हम जप कर रहा है, जब कोई भक्त साधना कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम प्रयास कर सके हमें प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट लगाना चाहिए, समझ रहे, और इससे बहुत तीव्र प्रगति होती है, बहुत ही तीव्र प्रगति होती है, बहुत तीव्र। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा गया कि जब नाम इतना शक्तिशाली है, भाई जब नाम इतना शक्तिशाली है तो हमें इसे ध्यानपूर्वक करने की क्या आवश्यकता है महाराज। महाराज बोले कि अगर आप जल्दी प्रगति करना चाहते हैं तो, समझ रहे हैं, अगर आपको जल्दी प्रगति करनी है तो आप नाम को ध्यानपूर्वक जप कर सुनते हुए करने का प्रयास करिए, है ना। ध्यान रहे आप कानों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हो तो वह सीधे आपके हृदय में जा रहा है, डायरेक्ट आपके हृदय में जा रहा है, और हृदय में जो कचरा है, जो गुण है, जो अवगुण है, उस सारे को क्या करता है, धो देता है, क्लीन करते जाता है एकदम। तो जाहिर है कि जब हम जितनी अच्छे तरीके से सुनेंगे उतनी जल्दी प्रगति करेंगे, उतना जल्दी क्लीनिंग हो जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम अटेंटिवली सुनने का प्रयास करना चाहिए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ध्यान रहे स्पष्ट उच्चारण नहीं करना। यह सब किसके वजह से हो रहा है, रजोगुण की वजह से हो रहा है, रजोगुण का प्रभाव है। सबसे अच्छा है, इसमें प्रभु जी बहुत सुंदर बताया कि भाई जैसे 2 घंटे लगते हैं तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलो, 5 से 7 अगर लग रहा है आपको जप करने में तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा रखो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा लगता है तो हम 1.25 घंटा ही लेकर के चलेंगे, नहीं, अस्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एकदम स्पष्ट उच्चारण प्रयास करें, ध्यान रहे स्पष्ट उच्चारण करें। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति सुबह के समय ही जप करें, ठीक है। क्या आप नहीं देखते हैं कि सुबह मन बड़ा शांत होता है जप करने के लिए, बहुत शांत होता है, और दिन में करेंगे तो यही करेंगे वही करेंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, सब मन में चलने रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सुबह उठ करके सत्वगुण का अनुशीलन करते हुए भगवान का नाम जप करता है, ठीक है, जो परम शुद्धकारी चीज है उसे वह करता है। ध्यान रखिए, जो भी कार्य को आप डेली करना चाहते हैं उसे मॉर्निंग में कर लीजिए, फिर दिन भर में वह नहीं होता। अगर सुबह नहीं उठ सकेंगे, ध्यान रखिए, तो भक्ति करने में बहुत कठिनाई हो सकती, बहुत कठिनाई होगी। भक्तों को चाहिए 3-3:30 बजे तक उठ ही जाएं। एनी हाउ, आप उसके लिए 9 बजे सो जाइए, 8 बजे सो जाइए, इट्स डजंट मैटर, लेकिन आपको 3-3:30 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक इसको मतलब प्रयास करना चाहिए। इसलिए दीक्षा का नियम है, मालूम है क्या हमें? इस साल कुछ लोगों ने बोला, प्रभु जी हमारी दीक्षा करा दो, हमारी दीक्षा करा दो। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, 16 माला जप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत दीक्षा ले ले। दीक्षा मतलब कि हम उसमें प्रॉमिस करते हैं कि हम 16 माला अधिक से अधिक ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें, हम क्यों कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र? कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वह स्थापित हो सके, प्रेम जागृत हो सके, समझ रहे हैं? प्रेम हमारा क्या हो सके? जागृत हो सके। और यह क्या कराएगा? हमारे प्रेम को भगवान के साथ जागृत कराएगा। बहुत सुंदर। और उसको हमको एकदम अटेंटिवली करने का जरूरत है प्रभु। इस संबंध में सचिन नंदन महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भाई कोई डिस्को है और उसमें एक लड़का गया है, वहां पर कोई लड़की है, तो जब तक वह लड़का उस लड़की को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं देखता है तब तक उसका उस लड़की के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। बहुत समझाने की इस बात को जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि क्या कहते हैं उसको, अटेंशन है सीड्स फॉर अट्रैक्शन, है ना। अगर हम हरिनाम के प्रति आकर्षण को जागृत करना चाहते हैं, केवल मुक्त मात्र नहीं होना चाहते हैं, हम ध्यान पूर्वक जब हमें प्रेम प्राप्त करना है, केवल मुक्त नहीं, हमें प्रेम प्राप्त करना है हरिनाम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो हमें बहुत ही अधिक ध्यान पूर्वक जप करने की आवश्यकता है, प्रयास करना होगा। देखिए मैं प्रयास बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ध्यान पूर्वक जप करना यह हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन प्रयास करना यह हमारी क्षमता है। ध्यान पूर्वक जप कराना यह तो भगवान के हाथ में, यह भगवान के द्वारा ही होता है और वह कराएंगे, लेकिन कब? याद करिए दामोदर लीला, जब साधक प्रयास करेगा तब भगवान क्या करेंगे? दूसरी उंगली से कृपा करेंगे। यहां साधक प्रयास ही नहीं कर रहा है, सोया हुआ है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक वह सोया हुआ है, भगवान से कृपा की भीख मांग रहा है, कहां से भगवान कृपा करेंगे? साधक का प्रयास, वो साधक को चाहिए 3-3:30 बजे उठे, भगवान का नाम जप करे, देखते हैं भगवान फिर कैसे नहीं कृपा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भक्त अगर प्रयास करेगा तो ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा ना करें, इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल। ध्यान रखिए, मैं ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना, बाद में जप कराना ध्यान पूर्वक किया भगवान का काम, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, भगवान अपने नाम के शुभ को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। अगर हम बहुत सारे कार्य करते हुए करेंगे तो इतना रुचि नहीं होगा जप में, होगा क्या? साधारणता आप सोचिए ना, आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं लेकिन उसके प्रति फुल्ली अटेंशन है, ठीक है आ जाना, नहीं भाई तुम्हें आना ही पड़ेगा, दोनों में आग्रह में अंतर है ना। आप या फिर आप किसी से मीटिंग हो रहा है और आप फोन भी चला रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? ओ, ये व्यक्ति झूठ का पकाने के लिए बुलाया है, समझ रहे हैं ना, उस प्रकार से हो रहा है। ध्यान रहे, पुनः बोल रहा हूं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न ही है, अभिन्न है, एकदम पूरी तरह अभिन्न है। भगवान नाम जो है
आप साक्षात कृष्ण हैं, ये शास्त्र के वचन। और इन वचनों को सुन करके व्यक्ति को बड़े गंभीरता से नाम जप करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं? इस प्रकार का फिर अनुभव होना चाहिए। हमें जप ध्यान पूर्वक क्यों करना चाहिए, इसके क्या प्रभाव होते हैं, समझिए इसको, साइंटिफिकली इसको समझिए। आप तो जानते हैं कि हम जीव क्या है, अविद्या से ग्रसित है ना, और अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते। जीवेर स्वरूप को एक कृष्णेर नित्य दास, इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे कृष्ण महामंत्र भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारा स्वरूप है क्या, कृष्ण के दास के रूप में, और दास मतलब आपका एक संबंध भी है भगवान से उस दास रूप में। अब देखिए ना, अब अपनी माता का स्मरण करें, एक संबंध के अनुसार से होता है, एक पिता का स्मरण करें तो एक मैच्योरिटी, माता का स्मरण करें तो एक प्रेम, दोस्त का थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करिए, थोड़ा फ्रीली महसूस होता है, और एक दुश्मन का एहसास करने का प्रयास करिए। दुश्मन कोई हो, उसका नाम लेना हो तो कैसे, थोड़ा सा मतलब क्रोध होता है ना, एक अनुभव होता है ना, संबंध के अनुसार से होता है। उसी प्रकार से तो हम अपने संबंध को भूले हुए हैं कृष्ण से, जो हमारा कृष्ण से संबंध है, और वह क्यों, तो अविद्या से। और हमने कई बार बताया है कि भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र अविद्या का निर्वर्तक है, या डायरेक्ट अविद्या के ऊपर चोट करता है और उसको तोड़ देता है ना, अविद्या को खत्म करने वाला है, निवर्तक है। मतलब जैसे बुखार है, बुखार का निवर्तक क्या हो गया, पैरासीटामोल खा लो भाई, ठीक हो जाओगे, है ना। आपको नहीं पता है कि वह कैसे कार्य करता है, कुछ लोग प्रश्न करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कैसे कार्य करेगा, है? बुखार है, आप पैरासीटामोल खाए, वह कैसे कार्य किया आपको पता है, नहीं पता है। आपने खा लिया तो स्वतः क्या किया, वो आपके बुखार को मिटा देगा। वैसे ही आप बीमार हैं, और उस बीमारी का इलाज क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र आप अगर जप करेंगे अटेंटिवली, निश्चित है आप दवाई ले रहे हैं तो बीमारी से मुक्त होंगे, उसमें क्या डाउट है, वो डाउट ही नहीं है, समझना पड़ेगा इसको। हम बुखार में तो नहीं पूछ रहे हैं कि पैरासीटामोल कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में, कैसे जाके वो पानी के साथ घुलता है, हमारे ब्लड के साथ कैसे फैलता है, नहीं हम प्रयास करने की जरूरत पता करने की प्रयास करते हैं ना। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे हृदय में जा रहा है, हमारे कान के माध्यम से, और यह किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं। आप खाली केवल करते रहिए, आपकी बीमारी से आप छूट जाएंगे, हटा देगा आपके प्रभाव को, है ना, हटा देता है। लेकिन जरूरत है कि आप उसको करें, ग्रहण करें। जैसे आपने दवाई को ग्रहण किया ना, वैसे ही जरूरी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को क्या करें, ग्रहण करें। और अगर ग्रहण करेंगे तो बहुत जल्दी हटा देगा, गारंटेड है, लिख लो, हटा देगा। अविद्या, अविद्या करती क्या, अविद्या क्या करती है, हमारी नित्य स्वरूप को कवर कर देती है, कवर कर देती है ना, ढक देती है। तो जब हम बड़ा प्रेम से, बड़ा अच्छी प्रकार से नाम जप करने की प्रयास करते हैं, तो नाम की कृपा से, भगवान की कृपा से अविद्या निवृत्त होती जाती है, और हम अपने संबंध को भगवान से क्या कहते हैं, समझ पाते हैं। बहुत लोग, बहुत सारा प्रश्न होता है ना आप लोगों को, प्रभु जी कैसे हम इस जगत में ही अपने संबंध को जान पाएंगे, क्या कहाँ पे जान पाएंगे, बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना आप लोग। आज भी मॉर्निंग में बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, आप महसूस कर पाएंगे कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद कृष्ण हमारे हृदय में प्रकटित कर, खुद ब खुद करेंगे। इस प्रकार से संबंध स्थापित होगा, आप खुद अनुभव कर पाएंगे, है ना। हम अपने संबंध को भगवान से समझ पाए। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम शरीर के बुद्धि में, यह वस्तुएं मेरी है, यह शरीर मेरा है, ये वस्तु मेरे शरीर के लिए, मैं इसका भोग करूंगा। लेकिन जैसे जैसे जब अविद्या से अविद्या हटती जाएगी, निवृत्ति होती जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल ही अपने हम संबंध को भगवान से कर पाएंगे। भले वह व्यक्ति भौतिकता में कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, MBBS हो, MTech हो, BTech हो, PhD हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वह अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर पाएगा। भक्ति करने से सारे ज्ञान हृदय में उदित होने लगते हैं। ध्यान रखिए, यह एक विज्ञान है, क्योंकि हमारे ज्ञान को ढक के रखा है यह विज्ञान है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, अविद्या को काटेगा तो विज्ञान जो है सामने आ जाएगा, ज्ञान सामने आ जाएगा। क्या लगा हुआ है, यह हम क्यों बोल रहे हैं, यह इतना जो आज हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से जप करते हैं
यह जो आसक्ति है ना इस जगत में, वह आप गौर करेंगे कि अपने आप कम होने लगती है और कृष्ण में आसक्ति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी, कृष्ण की ओर आसक्ति बढ़ती है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे आप नाम कर रहे हैं करिए, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब बुखार थी आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई 10 ड्रॉप आपको दवाई लेनी, तो आपने क्या किया? 10 ड्रॉप एकदम अच्छे से काउंट कर करके ध्यान पूर्वक लिया। अब वैसे ही आपको डॉक्टर साहब बोले हैं, श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि आपको 28,000 नाम जप रोज करना है, 16 माला जप करना है और उसको बहुत अच्छे तरह से ग्रहण करना है। तो आपको 28,000 नाम डेली लेना है, 16 माला जप करना है और बहुत अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से करेंगे, गारंटेड है कि अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे आप, और अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाएगी। सचिनंदन महाराज कहते हैं इसकी बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, इसको सुनिए। क्या कहते हैं कि भाई जब हमें 2 घंटा नाम जप करना ही है तो हम क्यों ना अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा, 5 मिनट कम लगेगा, 7 मिनट कम लगेगा। और अगर अच्छे से करेंगे तो कितना लगेगा? वही 2 घंटा। जब 2 घंटा देना ही है तो आप एक बात बताइए कि फिर हम क्यों ना अच्छे से देवें, फिर दिक्कत क्या है? करो, अच्छे से करो। अब वह अपना एक्सपीरियंस बताते हैं सचिनंदन महाराज, यहां सुनिए। वो क्या कहते हैं, जब मैंने इसे अच्छे से किया तो मैं कृष्ण का हूं, यह भावना स्वतः उनके हृदय में आ गई। स्वभाव से ही मैं समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? स्वभाव से ही मैं समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस जगत का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलने में तो एक लाइन की बात थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भाई हम स्वभाव से ही वह समझ गए महाराज कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं किसका हूं? कृष्ण का हूं। अब समझ जाए। और जानते हैं एक बात, जब आप यह समझ जाएंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने अंदर। कैसा कॉन्फिडेंट? अब मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, किसी देश में गए हुए हैं, और आपको पता है अरे भाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरा अपना आदमी है। कैसा फीलिंग आएगा? कोई देश में गए हैं, अच्छा लगेगा ना? या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट में ही गए और वहां पता चला DC जो है यहाँ के अपने दोस्त ही हैं, अपने मित्र ही हैं, अपने संबंधी हैं, तो कैसा फीलिंग आएगा? ट्रैफिक वालों से डरेंगे, पुलिस वालों से डरेंगे, पर उस क्या समझ रहे हैं मेरे को, अरे DC अपना आदमी है। वैसा समझ रहे हैं, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अहंकार नहीं, प्रेम। कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। परम पूज्य जयपदा का स्वामी महाराज जब क्या कहते हैं, हाँ, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी और कोलकाता में जब रथ यात्रा फेस्टिवल था राधा गोविंद जी की, तो जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज आपका राधा गोविंद के प्रति बहुत प्रेम है कि आप यहाँ पर आए ऐसी अवस्था में भी। तो महाराज कहते हैं यानी मेरा जितना प्रेम है उससे कई गुना अधिक राधा गोविंद जी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया। ध्यान रखिए, भगवान तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं, समझिए मेरी बात को। प्रेम ऐसा नहीं कि महाराज के प्रति अधिक है और आपके प्रति कम। अब महाराज का ऐसा स्थिति है कि वो अनुभव कर रहे हैं ज्यादा, समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, वो कैच कर पा रहे हैं। और हमारी वैसी स्थिति नहीं है। जैसे एक बार मुझे बहुत पहले की बात याद है कि मैं इंटरनेट का कनेक्शन लगवा रहा था अपने घर में बॉम्बे में, तो मैंने बोला भाई ये स्पीड कितना देगा, तो उसमें शायद से 1 Mbps 1.5 Mbps हैथवे का वो दे रहा था, मुझे टॉप स्पीड था। बोले देखिए ये स्पीड तो बहुत देगा, 1.5 Mbps का स्पीड देगा, लेकिन डिपेंड है आपके कंप्यूटर पे कि वह कितना आप इसे ले सकता है। तो उसमें बहुत पुराना कोई प्रोसेसर था मेरे पास, वह उतना नहीं खींच पाता था। प्रोसेसर को अपग्रेड कराया, नया कंप्यूटर खरीदा तो बहुत स्पीड से चलने लगा। समझ रहे, मैं खाली ये बता रहा हूँ हम कितना रिसीव कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, हम जितना देंगे उतना मिले, भगवान तो प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बस क्या कर रहे हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित। अतः बड़ी गंभीरता से करें, क्या भोग की बात नहीं, हरिनाम को बहुत गंभीरता से करें, बहुत भक्ति पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक करें, ताकि जो हमारी बीमारी है वह बीमारी क्या हो सके, ठीक हो सके, भगवान से फिर हम अपने प्रेम का अनुभव कर सकें।
ठीक है। कब भगवान से अपने प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे? जब हम जप बहुत बढ़िया से करेंगे तब। इसलिए विनंती है कि जल्दी उठिए सवेरे और अच्छे से जप करने का प्रयत्न, जप करने का प्रयास करिए, बहुत गंभीरता से प्रयास करिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जगत गुरु शिल प्रपात की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हर हरि, हरे राम हर राम 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 हरे हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि, हरे राम हरे राम 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 हरे हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।